इधर शूटिंग हुआ था केजीएफ का, शूटिंग इधर से वो 1 किलोमीटर जाना अंडर डाउन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी चैनल पे, वो थी पुष्पा फिल्म की शूटिंग लोकेशन की। तो आप लोगों ने उस पर इतने ज़्यादा कमेंट किए कि भैया आप केजीएफ की शूटिंग लोकेशन दिखाइए। उसके बाद क्या था, पहले मैंने चैप्टर 1 देखा, तो चैप्टर 1 तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है। उसके बाद चैप्टर 2 देखने के लिए मैं पहुंचा सिनेमा हॉल। वहां पे चैप्टर 2 देखा, उसके बाद फिर मैंने गूगल पे खंगालना शुरू किया, तो मेरे को पता लगा कि आपको जाना होगा बेंगलुरु। आगरा से मैंने ट्रेन पकड़ी, बेंगलुरु आ गया, और अभी मैं बेंगलुरु से, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलुरु 69, यानी 69 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यानी हम लोग लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को कवर कर चुके हैं। और अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ इस साइड में ना कोलार शहर है, और हमको जाना है कोलार गोल्ड फील्ड, यानी इसका जो केजीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ से 33 है यार, पीछे 31 किलोमीटर दूर था, अभी 33 हो गया। चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आपको आगे चल के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी हम रोड के सारे यहीं खड़े हुए हैं, केजीएफ लिखा हुआ मिल गया मेरे को, तो यहीं से हमने वीडियो की शुरुआत कर दी। ये हमारी धन्नो है, आज हमारा सफर इसी से होगा। ये हमने बेंगलुरु से ली थी। जगह का BGML भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, और KGF KGF प्लेस नेम, KGF प्लेस नेम, प्लेस नेम कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड पूरा BGML बंद हो गया 21 इयर्स होगा। 21 इयर्स 2001 में बंद हुआ था शायद। हाँ, 2001 में मार्च फर्स्ट। सोना ऊपर नहीं है, तो गवर्नमेंट निकालेगी ना उसको। ऊपर में नहीं है, मोर देन 11,000 फीट अंडर डीप। अभी अंडर अगर खोदोगे तो निकलेगा, तब निकाला जाए, चलें फिर खोदने। मतलब अभी हमको गोल्ड नहीं मिलेगा, गोल्ड इधर नहीं मिलेगा ना, गोल्ड गोल्ड इधर भी यहाँ है वहाँ है पूरा है, इसके नीचे भी गोल्ड है, गोल्ड है, इसको खोदोगे तो गोल्ड निकलेगा। नहीं, ऊपर में है, ऊपर में है, ऊपर में है, पाउडर पाउडर जरा है, तब फावड़ा लाओ खोदा जाए, फावड़ा लाइए इसको खोद के देखते हैं। इधर शूटिंग हुआ था केजीएफ का, शूटिंग इधर से वो 1 किलोमीटर जाना अंडर डाउन। अन्ना इधर, ये शूटिंग जो हुआ था केजीएफ, किधर जान, किधर से जाएंगे वो बिल्कुल लास्ट उधर से रेलवे गेट, ये बाइक। दोस्तों अभी मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जिसको सोना उगलने वाली खदान बोला जाता है। कभी ये जो खदान है जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, इसने बहुत सोना दिया है हमारे देश को। 1905 से यहाँ से सोना निकलना स्टार्ट हुआ था, 2000 तक यहाँ पे सोना निकला है। 2001 में ये जो कंपनी है इसको बंद कर दिया गया था, यहाँ 121 सालों तक सोना निकाला था। ये जो मिट्टी है जिस पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से कभी सोना निकला था। ये पत्थर नहीं है, मिट्टी है, और ये मिट्टी वो है जिसमें बहुत सारे केमिकल हैं। जब हम इसके ऊपर से आ रहे थे, इधर से आप लोगों को दिखाऊँ, देखो ये वाला जो रास्ता है ना, जहाँ पे कटिंग है, गौर से आप लोग देखेंगे, जब किसी जगह पे हम लोग एसिड को डालते हैं ना, एसिड को डालते हैं तो वो वाइट वाइट हो जाता है, तो ये यहाँ पे एसिड पड़ा हुआ है। ये मिट्टी है ना, इसमें एसिड है और भी कई सारे केमिकल हैं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो एसिड की जो महक आती है ना, वो महक हमको आ रही है, एसिड की महक आ रही है। तो KGF जो मूवी है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो फिल्म है, वो एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। यहीं पे मतलब जो यहाँ सोना निकाला जाता था, यहाँ पे जो एक गांव था, उसी पे आधारित ये मूवी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में, भारत देश में पहली बार जो लाइट आई थी, यानी बिजली,
बिजली जो आई थी वो यहीं पे आई थी, इससे पहले जापान में बिजली थी, एशिया में दूसरा ये शहर है जहाँ पे बिजली आई थी। यहाँ पे रेलवे भी बहुत दिन पहले मतलब शुरू हो गया था, वहाँ पे देखो रेलवे लाइन है। जहाँ ये जो रेलवे लाइन बनाई गई थी ना, ये सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी, ये जो सोने का खदान था इसी के लिए। वहाँ पे जो ये रेलवे का ट्रैक है वो अंदर जाता है, वो जो फैक्ट्री है, और ये जो फैक्ट्री है ये सोने को रिफाइन करने वाली है। जब माइंस से सोने को निकाला जाता था, यानी जब यहाँ माइंस मतलब अंडरग्राउंड माइंस यहाँ पे होती थी, अभी भी यहाँ पे सोना है। जैसे कि हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा था तो कह रहे सोना तो अभी भी है यहाँ पे, खत्म नहीं हुआ से। लेकिन क्या है कि माइंस यहाँ अभी नहीं होती हैं, अभी इसको बंद कर दिया गया है। BGML करके कंपनी है, उसके ये मतलब अंडर आता था, अभी इसको बंद कर दिया गया है। 2001 से ये यहाँ बंद पड़ा हुआ है। और अंग्रेज इसको छोटा इंग्लैंड भी बोलते थे इस जगह को। अभी जहाँ पे हम हैं ये कर्नाटक राज्य में आता है और कोलार इसका डिस्ट्रिक्ट है। तो अंग्रेज जो थे यहाँ इसको इंग्लैंड बोलते थे, मिनी इंग्लैंड यानी छोटा इंग्लैंड इसको बोलते थे। तो अभी हम आप लोगों को आज हम इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं कि पहले तो इस पूरी ये जो खनन एरिया है तो इसको आप लोगों को दिखाएंगे। और यहीं पे जो KGF का शूटिंग हुआ था, KGF का फुल फॉर्म यही है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो अभी हम हैं कोलार गोल्ड फील्ड पे, चलते हैं ऊपर। हालांकि फिल्म को शूट हुए काफ़ी समय हो गया, जो चैप्टर 1 था वो 2018 में आया था और चैप्टर 2 जो था वो अभी मतलब 2022 में आया था। यानी 2018 में जब वो मूवी आई थी उससे पहले यहाँ पे शूटिंग हुई होगी लगभग एक आध साल पहले। तो सेट तो शायद नहीं मिलेगा, हमने नीचे भी पूछा था, देखते हैं कुछ अवशेष मिलेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे। हालांकि सेट यहीं पे लगाया गया था, KGF 1 और KGF 2 की शूटिंग यहीं पे हुई है। 1 में तो जो KGF 1 था ना उसमें तो यहाँ बहुत मतलब दिखाया गया इसको ज़्यादा, लेकिन 2 में शायद इसको कम दिखाया गया है, क्रोमा की पे उस पर ज़्यादा शूटिंग हुई है। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि यहाँ कहाँ पे सेट लगा हुआ था। अभी तो हमने यहाँ से एंट्री ही ली है और इधर ये जो एरिया है इधर जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि उधर गार्ड वगैरह थे उनसे हमने पूछा था, तो उधर जाना अलाउड नहीं है। इधर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को एक बोर्ड मिला है, ये वाली जो भाषा है ना, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रही, आप लोगों की समझ में आ रही हो तो जरा मेरे को भी समझा देना। हालांकि देखो ऊपर 2017 लिखा हुआ है वो मेरी समझ में आ रहा है, और ये लिखा हुआ है 2000, ये हो सकता है 2000 इसलिए लिखा गया हो क्योंकि इसको 2000 में बंद किया गया था, यानी 2000 और 2001 में इसको बंद कर दिया गया था। धूप यहाँ पे बहुत तेज है यार, गर्मी लगने लगी है। हमने एक गलती और कर दिया, पानी नहीं लेके आए। ये पूरी फैक्ट्री एरिया है। हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी नहीं था, हाँ। यहाँ सोना निकलता था। नहीं, 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 मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हाँ। मेरे देश की धरती, तो वास्तव में हमारे देश की धरती सोना उगलती थी। ये आप देखो इतना मटेरियल निकालने के लिए अब 900 टन सोना कितना होता, उससे हो सकता ज्यादा भी हो भाई। हाँ भाई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो 900 टन दिखाया गया है। फिल्म वालों ने जो यहाँ पे सेट लगाया था ना वो चैप्टर 1 और 2 एक बार में ही शूट कर लिया था। ये नहीं कि 2018 में जब फिल्म आई थी तब वो शूट किया गया हो और अभी भी, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पहले वीडियो बनाया था। तो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे गांव बनाया गया था। நம்ம ஃபைனலா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கிட்ட வந்துட்டோம். நாங்க அந்த மலை மேல இருந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா இங்க புதுசா நிறைய செட் போட்டு जो KGF में दिखाया गया है, जिसमें मैं आप लोगों को वीडियो साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। पूरा ये ऐसे ही दिख रहा होगा, वो वाले भी दिख रहे होंगे, और पीछे जो टावर है ये टावर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने गांव बनाया था, जो KGF में गांव दिखाया गया था। तो गांव क्या, उन लोगों ने टेंट लगाया था, टेंट वाला गाँव था ना, फिल्म के अंदर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि गाँव जो था वो टेंट का था। तो यहीं पर उन लोगों ने टेंट लगाया था, उसके बाद से ये जो पेड़ वगैरह ना, ये वाले पेड़ वगैरह बाद में लगाए गए हैं। अगर नीचे देखोगे ना कुछ अवशेष पड़े हुए, देखो वो कपड़ा जैसा पड़ा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा वहाँ पे? दिख रहा, मैंने जूम किया। हाँ, वो कपड़ा जैसा पड़ा हुआ है ना, ये सारे वही हैं जो उन लोगों ने वो लगाए थे ना फिल्म के अंदर टेंट, तो टेंट वाला ही कपड़ा है। कुछ तो मटेरियल यहाँ से हटा दिया गया होगा, जैसे कि गंदगी ना हो, और कुछ वो यहीं पर छोड़ गए, जैसे वो मिट्टी में दब गया तो उसको वहीं पर छोड़ गए, और प्लाईवुड वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे पीछे मिला था एक यहाँ पे ये प्लाईवुड पड़ा हुआ है, ये सारा ये शूटिंग के टाइम पे देखो यूज किया गया है, इसको कलर भी किया गया है, ये सारा उसी टाइम का है।
गोल्ड पीला पीला सो दिख रहा है पर गोल्ड नहीं है यार। अरे ये तो सोने को निकालने अच्छा, के ये, बाद ये में जो पिची दिखा नजदीक से ये देख ये पीला दिख रहा है ना। अच्छा ये सोना निकलने के बाद जो मिट्टी बची है वो है ना, ये केमिकल्स यूज किए जाते थे मिट्टी को बिल्कुल गला के वो बनाया जाता था, पत्थर को गला के मिट्टी बनाया जाता था। चश्मे की वजह से लग रहा है क्या, ये चमक रहा है सोने जैसा, देख इसको है उसके अंदर सोने की मात्रा है बुरा भी है। हाँ नहीं सच्ची में चमक रहा है यार सोने जैसा। अरे है मुझे पता है भाई मुझे पता है उसमें ये मिट्टी वास्तव में ऐसे चमक रही है सोने की तरह, जैसे सोना चमकता है ना देखो। अब इसको देखो जरा ये देखो ये है ना पीलापन। 100 ग्राम ही निकला है यार सोना वना तो मिला नहीं, सेट भी था वो भी उड़ गया, इसकी छांव में बैठे ये छांव दे नहीं रहा है, बहुत हल्की हल्की छांव है और टॉप पे आ गए तो धूप लग रही बहुत तेज। यार तुम लोग ना AGF की लोकेशन दिखाओ, हालत खराब हो गई मेरे यहाँ आके। और लोकेशन में क्या मिला, कुछ नहीं, सेट तो है नहीं इधर। हाँ आप लोगों ने कहा था कि लोकेशन दिखा दो तो लोकेशन मैंने दिखा दी, यही लोकेशन है रियल में भी AGF, यही है कोलार गोल्ड फील्ड। आप लोगों ने लाइक तो किया नहीं होगा, कंजूसी करते हो पता है हमको, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ लोगों ने हमको पसंद किया है, हमारे कंटेंट को पसंद किया है। ये टेंट तो फिल्म वाले छोड़ गए, ये दिख रहा है ये टेंट लगाया था फिल्म वालों ने, इसको छोड़ के गए हम लोग। यार मैंने एक चीज देखी है, पुष्पा की लोकेशन पे गया था तो वहां पे भी कचरा ऐसे ही मेरे को मिला था, यानी ये लोग कचरे को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कोलार गोल्ड फील्ड जो था यानी KGF से हम लोग मतलब रिटर्न आ रहे थे, तो रास्ते में ही आम का एक बगीचा मिला। तो हमारे यूपी में तो आम का बगीचा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे आम के बगीचे रहते हैं, लेकिन जहाँ से मनीष बिलोंग करते हैं यानी अलवर से, राजस्थान में नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पे आम का एक बाग देखा, हमने वहीं पे बाइक रोकी, अंकल को आवाज दी, तो इत्तेफाक की बात बताएं अंकल जो है वो हमारे बहुत ही मतलब करीब के हैं, नज़दीक के हैं, बातों बातों में पता लगा। मैं कासगंज का रहने वाला हूँ और अंकल आप बदायूं के रहने वाले ना, बदायूं के रहने वाले, यानी हमारी जो दूरी है 40 किलोमीटर होगा ना कासगंज से, बदायूं 40 किलोमीटर ही तो है और बदायूं से ये तो और मेरी साइड के ही, मतलब कासगंज की तरफ ही पड़ता है इनका घर। आप अंकल कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? चालीस साल हो गया यहीं पे, शादी आपका इधर ही हुआ ना, आंटी इधर की है क्या, आंटी भी उधर से ही है? आंटी यहीं की है, आंटी कर्नाटक की है और अंकल यूपी के हैं। यहाँ अंकल ने बहुत सारे पेड़ भी लगा रखे हैं, जैसे उधर बताए थे अंकल जी आइए, ये तो चीकू का है देखो, ये एक चीकू है शायद, पका हुआ है क्या वैसा है, कच्चा, ये कच्चा है। उधर आम के भी पेड़ है, नजदीक से आगे दिखाओ, इसका फल है ना वो हार्ट की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है, ये है इसका फल, नजदीक से दिखाओ, ये वाला फल है, अभी तो कच्चा है ना फल, ये कच्चा है, अभी पके हुए दिए हमको बहुत सारे रखे हैं हमारे पास। ये अगर जैसे मान के चलो ये कितने दिन तक कंटिन्यू खाए तो हार्ट प्रॉब्लम, मतलब 40 दिन में कंटिन्यू खाओ नार पेड़ पे, समझो कि चाय पानी ना यूज करे सवेरे, हां हां सुबह ही मतलब खा लो आप, कोई नाश्ता मत करो, इसको खा लो, इसको खाइयो कंटिन्यू 40 दिन यूज करियो तुम, देखो तुम्हें 40 दिन के बाद में तुम्हारी अगला टाइम तो तुम्हें हार्ट की बीमारी भाग जाएगी। और ये वाला बता रहे थे ये किसके लिए, शुगर और बीपी ना, ये पके हुए हैं या खराब हो, ये पका हुआ है खराब नहीं हुआ, चुड़िया ढकल देते थे, चुड़िया ने वो कर दिया, इसको भी मतलब 40 दिन तक अगर लगातार खाओगे तो शुगर तुम्हें दवाई की कोई जरूरत ही ना पीने। यहाँ पे ये कितने पेड़ होंगे आपके पास? अच्छा हमने अब हमें आके तो इम्प्रूव कर दिए बस, आप लोगों ने आके लगाए ये? अच्छा इम्प्रूव करिए, तो आप रहते भी यहीं पे? इसी घर में, यहीं पे जो घर बना हुआ है। वो लौंग का पेड़ बता रही थी ना आंटी, उधर लौंग का पेड़ है, और लौंग का पेड़ दिखाते हैं हम तो आज पहली बार देखेंगे उसको। एक ये वाला लौंग का है, अच्छा एक वो है, ये मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ नींबू का है, ये इसका फल आ रहा है ना नजदीक से देखो, अच्छा लौंग से भी भयंकर खुशबू है इसमें यार, है ना मनी देख,
इसको डाल दो अगर मतलब सब्जी में तो लॉन्ग वाला काम करेगा ना। ये है तेज पत्ता। जय पौधे नन्ना पड़ रहे हैं, जब पूरे बीज झड़ गए ना। इसका बीज भी किसी काम में आता है क्या? हाँ बीज में तो समझ ले के जो गरम मसाला में डालते ना, वो लॉन्ग की तरह जो गोल गोल होता है वो वाला है क्या ये? ना और नेक लंबा हुआ है ये देखना, ये ऐसे लग रहा है जैसे लॉन्ग की शेप में ना, अभी और बड़ा हुआ है ये, बड़ा बहुत जल्दी है अभी पापा क्या काला हो जाएगा। अच्छा ये तेज पत्ता हो तो गया ऐसे, ओरिजिनल तेज पत्ता यही तो इतना सूख के ऐसे बनता है। अच्छा देखो अपने वहां तक जाने में इसको व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, किस्मत भी महक आ रही है। इसकी लकड़ी में भी महक है भाई, तो चकला है इसकी तो लकड़ी में भी महक है, तो चकला है। गरम मसाला बोलते नहीं लात निकल के, ये इसमें डालते पुलाव वाला में वो तेज पत्ता और ये दोनों चीज डालते हैं, लकड़ी भी इसकी डाल देते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अभी हमको बेंगलुरु निकलना है। बेंगलुरु यहाँ से कितनी दूर होगा? दो घंटा लगभग 70 किलोमीटर करीब रह गया ना। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।